हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं हरी मिर्च का इंस्टेंट अचार। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आधा छोटा चम्मच मेथी दाना, आधा छोटा चम्मच जीरा दाना और सौंफ चाहिए आधा छोटा चम्मच, अजवाइन आधा छोटा चम्मच। इन सभी को अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ये देखिए, ये हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे, और इसे ठंडा होने के बाद दरदरा सा पीस लेंगे मिक्सर में डाल के। बहुत ज़्यादा फाइन पीस नहीं बनाना है, दरदरा सा पीसना है कुछ इस तरीके से। अब एक कढ़ाई या तवा लेंगे, उस पर हम डाल देंगे ऑयल। मस्टर्ड ऑयल लेना है, उससे स्वाद अच्छा आता है। ये मैंने ले ली है हरी मिर्च, लंबी वाली, मोटी वाली, जो बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती पर खाने में बहुत टेस्टी होती है। आप नॉर्मल मिर्ची भी ले सकते हैं। इसे मैंने इस ऑयल में डाल दिया और इसे धीरे धीरे इस तरीके से हम पका लेंगे। इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इन सबको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस अचार को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा रोस्ट करना है। ये बहुत टेस्टी लगता है और ये इजीली आप एक वीक तक रख सकते हो बनाने के बाद। ये देखिए, अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने मसाले पीसे थे। जितना आपको चाहिए उतना आप डाल सकते हो। मैं नॉर्मल से डालूँगी और बाकी का बचा के रख लूँगी अगले दिन के लिए। ये देखिए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको इस तरीके से मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर 5 से 6 मिनट अच्छे से इसे ढककर पका लेना है। ये देखिए, ये हमारा इंस्टेंट मिर्ची का अचार रेडी है। इसे आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी के भी साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।